आज के इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ स्पेक्ट्रम कितने किस्म के होते हैं ये भी जानेंगे स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ द इमेज रिकॉर्डेड बेन द रेडियंट एनर्जी इज पास थ्रू द प्रिजम और ग्रेटेड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम याद रखें जब भी कोई रेडियंट एनर्जी यानी कि एनर्जी रेडिएशन की शक्ल में किसी प्रिजम से पास करते हैं और उसका इमेज जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने के लिए हम स्पेक्ट्रोमीटर या फिर स्पेक्ट्रोग्राफ को इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रम दो किस्म के होते हैं एक कंटीन्यूस स्पेक्ट्रम दूसरा डिसकन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम कंटीन्यूस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम जिसके अंदर पाए जाने वाले लाइंस या फिर बैंड्स एक दूसरे से मिले हुए होते हैं उसे कंटीन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं किसी भी इनकैंडिसेंट सॉलिड से एमिट किए हुए लाइट की जब आप स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो वो स्पेक्ट्रम कंटीन्यूस स्पेक्ट्रम होता है कंटीन्यूस स्पेक्ट्रम में बैंड्स या फिर लाइंस के बीच में स्पेसिफिक गैप नहीं पाया जाता जबकि डिस्कटीन्यूस स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो यहाँ पर लाइंस या फिर बैंड्स के बीच में क्लियर गैप पाया जाता है डिसकन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम दो किस्म का होता है एक अब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एमिशन स्पेक्ट्रम ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो ऐसा स्पेक्ट्रम जो ऑब्जॉर्ब्शन ऑफ रेडिएशन की वजह से फॉर्म होता है तो उसे ऑब्जॉर्पन स्पेक्ट्रम कहते हैं बोर्ड सेंटामिक मॉडल में हमने देखा है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाइयर एनर्जी लेवल को जंप करता है तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं रेडिएशन की शक्ल में उस आब्जॉर्ब किए हुए रेडिएशन का स्पेक्ट्रा अगर निकालें तो वो ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है याद रखें ऑब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर आते हैं जबकि एमिशन स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो ऐसा स्पेक्ट्रम जो एमिशन ऑफ रेडिएशन की वजह से फॉर्म होता है तो उसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल को जंप करता है एमिशन ऑफ रेडिएशन देखा जाता है उसी एमिशन ऑफ रेडिएशन का स्पेक्ट्रम अगर निकाला जाए तो उसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर ब्राइट लाइंस डार्क बैकग्राउंड में पाए जाते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम दो किस्म का होता है एक लाइन स्पेक्ट्रम दूसरा बैंड स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम को अटामिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं क्योंकि ये गैसियस एटम्स से एग्ज़िबिट किया जाता है जबकि बैंड स्पेक्ट्रम को मॉलिकुलर स्पेक्ट्रम कहते हैं क्योंकि ये गैसियस मॉलिक्यूल से एग्जिबिट किया जाता है